त्रिवेंद्र रावत सरकार में औद्योगों और कोऑपरेटिव के लिए भूमि खरीद पर दी गई छूट के लिए बनाए कानून के खिलाफ उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंकते हुए भू कानून को रद्द करने की मांग की। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी का कहना है कि त्रिवेंद्र रावत सरकार के कार्यकाल में बनाए गए इस कानून से भू माफियाओं ने उत्तराखंड की कई भूमियों पर अवैध कब्जा कर लिया है। पीसी तिवारी ने धामी सरकार से कानून को रद्द कर उत्तराखंड में संविधान की धारा 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। देखिए, त्रिवेंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर 2018 को एक काला कानून इस उत्तराखंड को दिया, जहां पर उद्योग के नाम पर, कोऑपरेटिव के नाम पर असीमित भूमि की खरीद की अनुमति दी गई और उनको 143 यानी कि आकृषि करने के लिए छूट दी गई, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड की जमीनें भूमाफियाओं और तमाम लोगों के पास चली गई हैं। तो हम और आज भूमाफियाओं के खिलाफ पहाड़ में एक सशक्त आंदोलन शुरू हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले उत्तराखंड की सरकार को इस कानून को तत्काल रद्द करना चाहिए। सरकार केवल चुनाव के चक्कर में सरकार चाहती है कि इस मामले को टाल दिया जाए। तो हम धामी सरकार से कहना चाहते हैं, त्रिवेंद्र सरकार द्वारा बनाए गए काले कानून को तत्काल निरस्त करें और उत्तराखंड को 371 संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दें और जिन लोगों को अनुमति दे रखी है यहाँ पर डाडा काडा में, नैनीसार में, चितई में, उनकी अनुमति का दुरुपयोग करने के कारण उनकी जमीनों को जब्त किया जाए सरकार के पक्ष में। और हमारी उत्तराखंड की जनता से कहना है कि आप संघर्ष में सड़क पर आइए, तभी हम इन जमीनों को बचा सकते हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी रोज संघर्ष कर रही है, आगे भी करेगी, और पहाड़ की अस्मिता की रक्षा करनी है तो हमें इस सवाल पर लड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, यही हमें याद कह रहे हैं।